और हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की कमाल की लाइव स्ट्रीम थंबनेल क्रिएट करना, जो कि आजकल बहुत ही वायरल चल रही है। एंड आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो। एक एक चीज़ आप इजीली प्लेस करके आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं है एंड आप लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज के जो हमारे फीचर चैनल है वो पबजी अक्की है, तो आप उनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इधर आ जाना। एंड यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है ना अपने थंबनेल के ऊपर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्रेसिव रैंक पुश मैं लिखूंगा, ठीक है। आप अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हो, लाइक जोनाथन इज लाइव या जो भी आपका चैनल का नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड फॉन्ट जो भी मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पैक को जाके आप पहले डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एग्रेसिव लिख लिया, अब यहाँ पे रैंक पुश मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ठीक, हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से आपको रख लेना है, यहाँ पे प्लेस कर लेना है। एंड इसकी बैकग्राउंड को आपको ट्रांसपेरेंट करके इसे अल्ट्रा पे सेव कर लेना है। एंड अब हम चलते हैं अपने पीएस टच एप्लीकेशन में। तो गाइस, पीएस टच एप्लीकेशन में आने के बाद आपको एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है 90x1080 का, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको पैक में बस करके दे रखा है, बस आपको एक एक चीज़ें प्लेस करनी है। तो सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे जाना, फोटो लेयर पे जाना, एक ये रेड बैकग्राउंड मिला होगा वो आपको पहले ऐड करना है, ठीक है। एंड नीचे वाला बैकग्राउंड को हम डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फोटो लेयर पे जाना और एक रेड शैडो आपको मिला होगा PNG, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लीनियर डॉज वगैरह मत करना, नॉर्मल पे ही रहने देना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फोटो लेयर पे जाना और ये वाली एक लाइट आपको PNG मिली होगी, उसे आपको ऐड करके लीनियर डॉज ऑन कर देना है। फिर से आपको फोटो लेयर पे जाना है एंड वहाँ पे आपको ये वाली एक टेक्स्ट डिज़ाइन मिली होगी, उसको आपको ऐड करके लीनियर डॉज कर देना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे जाना, फोटो लेयर पे जाना और यहाँ पे एक बैकग्राउंड मिला होगा, देख लो, इसी ऑर्डर में सब कुछ आप ऐड करना, ठीक है। और उसे ऐड करके आप उसे ओवरले कर लेना। फिर से आपको फोटो लेयर पे जाना है एंड जो भी कैरेक्टर या अपना इमेज आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो, उसके बाद कैरेक्टर ऐड करने के बाद फिर से एक लाइट आपको PNG मिली होगी, उसको यहाँ पे ऐड करके लीनियर डॉज ऑन कर देना। फिर से हम फोटो लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे एक ब्लैक शैडो हमें आपको मिली होगी, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब यहाँ फिर से हम फोटो लेयर पे जाएंगे एंड KD वगैरह का स्क्रीनशॉट भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप वो भी यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर लेना। तो देख लो, सब कुछ यहाँ पे मैंने करके आपको दे रखा है, बस एक एक चीज़ आपको अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। एंड यहाँ पे टेक्स्ट पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, जैसे यहाँ पे एग्रेसिव रैंक पुश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले अपने दोनों टेक्स्ट को हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, सॉरी, उसके बाद अलग करने के बाद क्लियर कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा रैंक पुश है ना, उसमें हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे। देख लो ग्रेडियंट प्लेट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेट पे 60 है, सेकेंड प्लेट पे 28 ह्यू है, तो आपको इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा रैंक पुश है ना, उस पर यहाँ पे हम टेक्सचर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, टेक्सचर में आपके पास कोई भी बैकग्राउंड होगा ना, उसको यहाँ पे ऐड करके ओवरले कर लेना एंड अपने टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना। देख लो, थोड़ा सा टेक्सचर आ जाएगा टेक्स्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा देखने में कूल लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप इसको मर्ज डाउन कर लेना एंड FX में जाके इस पर ड्रॉप शैडो ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे येल्लो कलर की, ताकि थोड़े से देखने में कूल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर कर लेते हैं, एक मिनट, 50 रख लेंगे, ठीक है। देख लो, उसके बाद यहाँ पे हम एग्रेसिव पे भी ड्रॉप शैडो ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोनों को एक लाइन में हम प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद यहाँ पे हम उसकी बैकग्राउंड को फिल करेंगे। तो दोनों लेयर को पहले मर्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल करेंगे एंड यहाँ पे एम्प्टी लेयर उसके नीचे क्रिएट करके फिल एंड स्ट्रोक पे जाके स्ट्रोक ऐड कर देंगे। स्ट्रोक आप ज़्यादा रख लेना एंड उसमें जो बैकग्राउंड होगा रेड पे आप जाके 30 कर लेना, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड भी इसका क्रिएट हो चुका है। शो पॉइंटर ऑन करके पॉलीगन सेलेक्शन टूल आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से आपको फिल कर देनी है। तो देख लो, यहाँ पे मैं सेलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ मैं।
उसके सेलेक्शन क्रिएट कर लिया एंड उसमें अब हमने कलर फिल कर लिया। तो देख लो हमारा ये क्रिएट हो चुका है टेक्स्ट भी, देख लो सब कुछ मैंने आपको करके दे रखा था, बस आप लोग को क्या करना था कि चीज़ें प्लेस करनी थी एंड थोड़ा मोड़ा आपको टेक्स्ट पे वर्क करना था। तो अब ये नहीं बोलना है कि मुझे PSS चलाने नहीं आता है या जो भी, देखो सब कुछ करके मैं दे रहा हूँ, तो इस चीज़ के लिए आपको एक लाइक तो देना ज़रूर बनता है यार, एक लाइक कर देना एंड कमेंट भी प्यारा सा कर देना ताकि मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो ये लाइट वाली PNG भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो आपको मिल गई होगी पैक में, सब कुछ मैंने दे रखा है, कुछ भी मिस नहीं किया है। एंड यहाँ पे एक लाइव वाला स्टिकर भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो देख लो हमारा ये थंबनेल है वो क्रिएट हो चुका है, अब आप अपने स्ट्रीम पे यूज़ कर सकते हो, देखने में काफ़ी OP सा लगता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको ये वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।